बेल के उपयोग से जोड़ों में दर्द या सूजन की समस्या दूर होती है। इसके पत्तों में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। इसके पत्तियों के लेप को सूजन या दर्द वाले स्थान पर लगाने से दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा इसके छाल से बने काढ़े का सेवन करने से कब्ज की समस्या दूर हो सकती है। साथ ही छाल के चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ लेने से पेट के कीड़े भी नष्ट होते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं चिलबिल के और भी कुछ फायदों के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो ऐसी ही ढेरों जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सिमा या अन्य त्वचा संबंधित रोग जैसे घाव या फोड़ा हो तो चिलबिल के पत्तों का इस्तेमाल फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा इसकी छाल के पाउडर के साथ आंवला के चूर्ण का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। चिलबिल की पत्तियों के साथ काली मिर्च और लहसुन को पीस कर सेवन करने से पीलिया के लक्षणों को कम करने में काफी मदद मिल सकती है। वहीं सामान्य बुखार होने पर इसकी छाल के लेप को माथे पर लगाने से आराम मिलता है। इसके अलावा नाक कान से खून आने की समस्या, इसके बीज के पाउडर को शहद में मिलाकर उपयोग करने से कान नाक से खून आने की समस्या दूर हो सकती है। कई बार खराब खान पान की वजह से तेल में भुने हुए चिलबिल के अंकुरों का सेवन करने से पेट दर्द और पेट फूलने की समस्या में लाभ मिलता है। अगर आप कब्ज की समस्या से परेशान हैं तो चिलबिल का उपयोग करके आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। चिलबिल के तने की छाल का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिली मात्रा में पीने से कब्ज दूर होता है। अगर आपको उल्टी की समस्या हो रही है तो 5 से 10 मिली चिलबिल के पत्तों के रस में मिश्री मिलाकर सेवन करने से उल्टी बंद हो जाती है। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो 100 ग्राम चिलबिल छाल के चूर्ण में 10-10 ग्राम हरेती की बहेड़ा, आंवला तथा जामुन बीज चूर्ण मिलाकर 1 से 2 ग्राम मात्रा में प्रतिदिन शाम को सेवन करने से डायबिटीज में लाभ होता है। बढ़ती उम्र में जोड़ों में दर्द और सूजन होना एक आम समस्या है। इस समस्या से राहत पाने के लिए चिलबिल के पत्तों को पीसकर घुटनों और अन्य जोड़ों पर लेप करें। इसे लगाने से जोड़ों के दर्द और सूजन से आराम मिलता है। जोड़ों पर चिलबिल के तने के छाल के रस का लेप करने से आर्थराइटिस में होने वाली सूजन और दर्द से भी आराम मिलता है। गर्मियों के मौसम में पसीने और शरीर की दुर्गंध से कई लोग परेशान रहते हैं। इस दुर्गंध से निजात पाने के लिए चिलबिल का उपयोग करें। इसके लिए एक आम, इमली तथा चिलबिल के बीजों का पेस्ट बना लें और उसे शरीर पर लेप करें। ऐसा करने से पसीने की दुर्गंध दूर होती है। आयुर्वेद के अनुसार चिलबिल का पौधा चेचक के इलाज में भी लाभदायक है। चेचक से आराम पाने के लिए चिकित्सक की सलाह अनुसार 5 से 10 मिली चिलबिल के रस में आंवला स्वरस मिश्री व शहद मिलाकर सेवन करें। दांत खाज ऐसी समस्या है कि अगर इसका सही समय पर ठीक ढंग से इलाज ना किया जाए तो आगे चलकर संक्रमण बहुत बढ़ जाता है। चिलबिल के बीजों और तनों की छाल को पीस कर दांत वाली जगह पर लगाएं, इससे दांत जल्दी ठीक हो जाता है। इसके अलावा चिलबिल की पत्तियों के रस को दांत पर लगाने से इस समस्या से जल्दी आराम मिलता है। गर्मियों के मौसम में कई लोगों को नाक कान से खून बहने की शिकायत रहती है। आयुर्वेद में इस समस्या को रक्त पित्त नाम दिया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार चिलबिल के बीजों को 1-2 ग्राम चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर खाने से इस बीमारी से लाभ होगा। तो दोस्तों ये तो रहे चिलबिल के फायदे और चिलबिल के उपयोग के बारे में। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।